वेलकम बैक दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ सैमसंग का S21 अल्ट्रा मॉडल, जो कि इसमें प्रॉब्लम ऐसी है कि फ़ोन कस्टमर का कहना है कि ऑन है और ये गिरने के बाद से इसका डिस्प्ले नहीं आ रहा है। फ़ोन कस्टमर के हाथ से नीचे गिर गया था, उसके बाद से इसका डिस्प्ले नहीं आ रहा है। और इन्होंने कहीं दिखाया तो कस्टमर ने कहीं दिखाया था तो वहाँ पर इसका CPU रिवॉल्व किया हुआ है, तो उसके बाद भी नहीं आया, डिस्प्ले शो नहीं कर रहा है ग्राफिक्स लाइट। तो ये कस्टमर हमारे पास लेके आए, तो इसका ऑलरेडी CPU रिवॉल्व है फ़ोन ऑन वर्किंग कंडीशन में, तो इसकी हो सकता है लेयर डैमेज हुई होंगी या लेयर के कोई ट्रैक ओपन हो गई होंगी जिसके वजह से ग्राफिक्स नहीं आ रहे। तो देख सकते हो दोस्तों आप कि हमने लेयर खोलना स्टार्ट कर दिया है, तो ये जो है लेयर, इसकी लेयर खोलने के लिए कम से कम 15 से 20 मिनट का टाइमिंग लगता है। लेकिन आप ज़्यादा अगर जल्दी करोगे, जल्दी निकालने की कोशिश करोगे उसको, तो आपकी ट्रैक जो डैमेज नहीं है वो आपके हाथों से भी डैमेज हो सकती है। तो आप अगर लेयर उतार रहे हो तो केयरफुली उतारो ताकि आपको प्रॉब्लम जहाँ से है वहीं से मिले, एडिशनल प्रॉब्लम ऐड ना हो जाए। तो ये देख लीजिए, हमको चारों तरफ से हल्का हल्का प्रॉपर हीट दे के उसको धीरे धीरे स्क्रैपर से उठाना है। तो ये देख सकते हो आप, मैं जैसा कर रहा हूँ, मैं वीडियो थोड़ा स्पीड में बना रहा हूँ। अगर मैं स्लो वीडियो बनाता था तो तकरीबन आधे घंटे की वीडियो बनती थी, तो आधे घंटा तो कोई देखता नहीं, इस वजह से मैं 5 मिनट में इसको कन्वर्ट किया हूँ। तो ये देख सकते हो आप, ये हमने पूरा घुमा दिया है, लेकिन इसकी जो ग्राफिक्स नहीं आ रहे थे उसका प्रॉब्लम हमको लेयर उतारते हुए ही मिल गया। इसकी जो अपर जो बोर्ड है, इसका अपर बोर्ड डैमेज है। अभी मैं जस्ट अभी उसको उठाने वाला हूँ तो आपको दिख जाएगा कि कनेक्टर के पास से ये दो टुकड़ों में, ये देख सकते हो आप, ये दो टुकड़ों में हमारा बोर्ड सेपरेट हुआ। इसके वजह से हमारा ग्राफिक्स नहीं आ रहा था इस फ़ोन में, और जिस भाई ने भी CPU बनाया था उसको इस चीज़ का शायद से नॉलेज नहीं था, सो उसने सिर्फ CPU बना के छोड़ दिया। तो ये देख सकते हो, ये हमारा लेयर हमने सेपरेट करके इसको रिबॉल करके मैं आपको बता दे रहा हूँ। रिबॉलिंग का देख सकते हो, रिबॉलिंग का वीडियो स्कीप है, बाकी रिबॉल हुआ हुआ हमारा बोर्ड ये है। तो अभी हमको इस पर अपर बोर्ड स्वाइप करना है, तो हमने इसके लिए दूसरा बोर्ड अरेंज करके रखा हुआ है, मैं आपको ये दिखा सकता हूँ। ये देख लीजिए, ये हमारा अपर बोर्ड आ गया है। अभी हम इसको प्रॉपर रिबॉलिंग का मैंने स्किप कर दिया हूँ, जैसे मैंने आपको बताया, इसको प्रॉपर अपने को सेट करना है पॉइंट टू पॉइंट। अगर पॉइंट, अगर अपर बोर्ड इधर का उधर भी अगर हो जाता है तो अपना प्रॉपर नहीं बैठेगा। तो ये देख सकते हो आप, ये मैं अभी अपर बोर्ड प्रॉपर सेट कर रहा हूँ, जो कि जिस साइड से डैमेज था उस साइड से बोर्ड हल्का सा बेंड भी है, उस वजह से प्रॉपर बोर्ड नीचे लोअर बोर्ड पे बैठ जाए, उस लिए हम वहाँ पे एक कॉइन भी रखे हैं। तो देख सकते हो आप, इसको प्रॉपर बिठाना है, प्रॉपर हीट देनी है चारों तरफ से। ऐसा ना हो कि आप एक ही जगह हीट दो, वो एक तरफ से बैठे और दूसरे तरफ से उठ जाए, तो इसको प्रॉपर हमें हीट देनी है। देख सकते हो आप, अपर बोर्ड अभी हम स्वाइप कर रहे हैं S21 अल्ट्रा का। ये भी टाइम लेगा बैठने के लिए, क्योंकि ये बोर्ड है, जब अपना डबल डेकर टाइम लेता था तो ये तो डबल बोर्ड है, और बोर्ड को भी आपको प्रॉपर लगाना है। आप जितना फिनिशिंग से काम करोगे उतना आपका लेयर प्रॉपर बैठेगा। लेयर को बैठाने के लिए आपको प्रॉपर क्लीनिंग करना पड़ेगा, प्रॉपर उसको सेट करना पड़ेगा, प्रॉपर उसको चारों तरफ हीट देना पड़ेगा, उसके बाद आपका लेयर प्रॉपरली बैठेगा। ये देख सकते हो आप, मैंने वीडियो थोड़ा सा फॉरवर्ड कर दिया है, ये अभी हमारा लगभग बैठने के ऊपर ही है। मैं आपको साइड से दिखा रहा हूँ, ये देखो हम हल्का सा प्ले करते हैं इसको, ये देख लीजिए हमारा ये मदरबोर्ड बैठ गया है। मैं अभी आपको आगे दिखाने वाला हूँ इसका टूटा हुआ बोर्ड, और हमने जो अपर बोर्ड लगाया है वो सेप अलग अलग है। ये देख सकते हो आप, ये टूटा हुआ बोर्ड है और ये हमारा असेंबल वाला बोर्ड है। तो अब हम इसको कैमरेज लगा के, फ्रेम में लगा के, फ़ोन हमारा वर्किंग में आया है, ग्राफिक्स आए हैं या नहीं आए हैं वो चेक कर लेते हैं, कैमरास चेक कर लेते हैं, टच वगैरह चेक कर लेते हैं। इससे हमारा डाउट क्लियर हो जाएगा कि हमारी कोई चीज़ बन नहीं है, अदरवाइज़ अगर कोई चीज़ वर्क नहीं करती है तो फिर वापस से हमको लेयर उतारना पड़ेगा। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप मेरी वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर करके रख लीजिए। सब्सक्राइब करने से आप ही का फ़ायदा है, आपको नए नए अपडेट्स मिलते रहेंगे, प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस मिलते रहेंगे। ये देख सकते हो हमारा फ़ोन ऑन हो चुका है, तो अब हम इसका पूरा ऑन होने का वेट करते हैं, देन उसके बाद हम चेक करेंगे। तो ये देख सकते हो आप, हमारा फ़ोन अभी ऑन हो चुका है, ये होम स्क्रीन आ चुकी है, ये हम स्लाइड, ये देखो हम टच चेक कर लेते हैं सबसे पहले। ये हमारा टच चेक हो गया है,
ये हमारे कैमरेज चेक हो चुके हैं। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती हो तो लाइक कर सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिए, और अगर आपको फ़ोन बनाने भेजना है तो वीडियो में दिए हुए नंबर पर कांटेक्ट कीजिए। थैंक यू।